और मैंने जैसे तैसे करके संभाला भाई साहब, बहुत पट के हाथ में आ गए सच में। आप लोग जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अभी ना एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ बॉस, इतनी सारी ठंडी है ना तो मेरे को एक गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी नहा धो के रेडी हो गए, मैं भी, ये भाई भी, और ये सामान भी पैक हो गया है पूरा। थोड़ा सा बाकी वो तो ऊपर ऊपर का है तो वो भी हो जाएगा। एक्चुअली आज उठने में थोड़ा लेट हो गया, सो अभी हम 11 बजे निकलेंगे। वैसे सुबह जल्दी निकलने वाले थे पर रात को थोड़ा लेट हो गया, ये सब पैक करना था, प्लस मेरे को हेलमेट सेटअप करना था, वीडियो मेरे को डालना था, तो थोड़ा लेट हो गया है, पर अभी 11 बजे निकल जाएंगे। तो ये पड़ी है अपनी बाइक, अभी इसको लोड भी करना है तो थोड़ा टाइम उसमें भी लगने वाला है। इतना सामान लोड करना है, ये भाई अभी चेकआउट का प्रोसेस ख़त्म करते हैं। तो भाई चेकआउट का प्रोसेस कर रहे, तब तक मैं थोड़ा थोड़ा कुछ करता हूँ। तो राइडिंग जैकेट उसने पहना है पर मैंने ये वाला नॉर्मल वाला ही जैकेट पहना है, पर जब जब बाइक स्विच करते रहेंगे तब तक चेंज करते रहेंगे। और अभी तो ये नी गार्ड और एल्बो गार्ड्स इसके अंदर ही रखे हैं, अभी नहीं पहन रहे। अभी थोड़ा चाय पानी और वो सब कर लेंगे, उसके बाद में ही करेंगे। तो ऐसा कुछ बाइक लोड कर दिया है अभी, अभी पहले फ्यूल डलवाएंगे। ये वाले भाई ड्राइव करने वाले हैं, मतलब राइड करने वाले हैं, और थोड़ा आगे जाके मैं करूँगा। तो फ्यूल तो भरवा लिया है, तो अच्छा सा एक ये रोड साइड देखा, वहाँ पे अभी चाय पी लेंगे। और वहाँ पे मेरे को रुकने का मज़ा नहीं आया, तब से मेरे को बोल रहा था कि आगे रुक जाते, आगे रुक जाते, पर मैंने बोला कि रोड ट्रिप करने के लिए आए तो मज़ा तो रोड पे ही आएगा ना, तो ऐसा नज़ारा कहाँ देखने को मिलने वाला है। तो यहीं पे अभी चाय ऑर्डर किया है और ब्रेड बटर ऑर्डर किया है, तो अभी दोनों खाएंगे, बाकी तो आगे वीडियो में देखते रहो। तो खाना पीना पेट पूजा सब हो गया है, अभी निकल रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी है, वही चलेंगे। चलो अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि पहला स्टॉप अपने सरचू में लेंगे, ठीक है। तो सरचू का थोड़ा ऐसा है कि ऑक्सीजन में सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता है, पर अभी वहाँ पे जाके ही पता चलेगा एक्चुअल में क्या है। तो अभी पहला होल्ड नाइट से आज वही करने वाले हैं, तो अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलो क्या मस्त हवा चल रही है। सो अटल टनल क्रॉस फोटोग्राफी करेंगे, फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। अभी रिटर्न में मिलेंगे इसको, बाकी फोटो सेशन और वो सब खत्म हो गया है, अभी जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये कैन में 3-3 लीटर भरवा लेते हैं, क्योंकि ये उछलता है ना तो पूरा निकल जाता है, प्लस बाइक में 2-3 लीटर और डलवा देते हैं, तो ऐसा कुछ सोचा है अभी। तो यहाँ पे 99 रुपीज़ चल रहा है पेट्रोल का। चलो डन, अभी इसको बंद कर देते। तो पेट्रोल भरवा लिया है, 800 रुपये का भरवाया है पेट्रोल, और अभी फिर से जर्नी स्टार्ट करेंगे। पानी वानी पी लिया है, तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, तो हाइड्रेटेड रखते रहेंगे। ये ऐसा कुछ है यहाँ का व्यू। तो ये रहा अपना बाइक, और एक्चुअली पहले सोचा था कि जिस पर रुकेंगे, पर अभी हम दारचा में हैं, और यहाँ पे दो चाय मैंने मंगवाई है, एक भाई के लिए एक मेरे लिए। तो चाय पियेंगे और कुछ खाना होगा तो खा लेंगे, देन निकल जाएंगे। एकदम ना बाल को थोड़ा इग्नोर करना,
कब से हेलमेट पहन के रखा है तो ऐसे हो गए। चाय और ये वाली मैगी, तो अभी चाय मैगी करके निकलेंगे यहाँ से। ये सामने वाला जो वाटर क्रॉस है उसके पहले ही मेरे इसकी बैटरी डेड हो गई और मैं उसको सूट ही नहीं कर पाया। और ये देखो मेरे जूते भी पूरे गीले गीले हो गए। तो ऐसे सब चीज़ों के लिए ही आए और यही चीज़ें नहीं होगी तो कैसे मज़ा आएगा। तो अभी फिर से मैंने बैटरी को चेंज कर दिया है, तो अभी ऐसा कुछ आएगा तो अभी मैं बता दूंगा। ओके वाटर क्रॉसिंग पर क्या होते कर दी सिचुएशन थी, फट गए ये मेरे जूते पूरे गीले हो चुके। ये दो बार तो मेरे को ऐसा लगा कि गया गया गया, बार भाई बच गया हूँ, थैंक गॉड। ऊपर वाले बचा लिया दे दो। एक्चुअली वीडियो में आप लोग देखते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि कैसा होता है, पर एक्चुअल में फट के हाथ में आ जाती है, मेरी तो आ गई। और मैं वो बोल रहा हूँ उसको कि वीडियो ले ले ले, साला वीडियो ही नहीं ले रहा था। मज़ा आ गया पर था ऑफलाइन। ये वाटर क्रॉसिंग बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक था। दो तीन बार तो लिटरली मेरा पूरा बाइक ऐसे हो गया था और मैंने जैसे तैसे करके संभाला भाई साहब, बहुत पट के हाथ में आ गई सच में। आप लोग वीडियो में देखते हो तो जस्टिस नहीं होता है, सच में बहुत खतरनाक वाला सीन होता है। जो भी कर रहा है ना तो उनको सैल्यूट है, सैल्यूट है। जो भी ये वाटर क्रॉसिंग पास करते ना भाई, बहुत तगड़ा काम है। अभी थोड़ी देर सेटल होने के लिए लगेगा मेरे को। पैदल पैदल आ रहा है वहां से पूरा। कैसा सीन था रे? सांस तो ठीक है, मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी भाई, पूरा बाइक पूरा ऐसे टेढ़ा हो गया था। अभी ना सेटल होने में सच में टाइम लगेगा मेरे को। पहुँच गए अभी यहाँ पे, थोड़ा चाय पानी कुछ करेंगे उसके बाद में फिर से जर्नी स्टार्ट करेंगे और थोड़ा कुछ फोटो सेशन वैसे करेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो ये भाई लोग भी सारे अहमदाबाद से ही है, और ये अपना कैफे चाय भाई कुछ ऑर्डर कर देंगे फिर पी के निकलेंगे। और ये भाई को मेरे को थोड़ी फोटोग्राफी सिखानी पड़ेगी, मेरा दिमाग घूम जाता है क्योंकि इतना अच्छा सीन सीनेरियो है और भाई नहीं खींचेंगे अच्छे वाले फ़ोटो तो कैसे मज़ा आएगा। भाई को थोड़ा सिखाना पड़ेगा। जय भोलेनाथ। चलो अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ आपको अहमदाबादी कहीं पर भी मिल जाएंगे। ये वाला जो पीछे वाला ग्रुप है पूरा अहमदाबाद का है जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ा नॉलेज भी ले रहे थे। एक भैया हैं उन्होंने अभी ही राइड करके आए हैं, सो बता रहे थे कि अभी और थोड़ा रास्ता ख़राब आने वाला है, तो अभी देख रहे हैं क्या होने वाला है अगला एडवेंचर। तो बने रहो वीडियो पे। तो अभी तक तो सारे रास्ते ठीक थे, मतलब अच्छे थे, अभी फिर से थोड़ा ऑफ रोडिंग आ गया है, सो मज़े आ रहे हैं। और भाई ठंडी अभी फील होने लग गई है बिल्कुल जोरों शोरों से, सांस भी लेने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, पूरा ऑफ रोडिंग वाला ही सीन है ये, तो थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। ये तो पूरा पैच मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ऑफ रोडिंग वाला भी है। अगर आप लोग भी आ रहे हो तो भी आपको भी ध्यान से चलाना पड़ेगा, और अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे भी ध्यान से ही चलाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे आप 30-40 से ज्यादा ऊपर मेरे ख्याल से जा नहीं पाओगे, वैसे जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, बाकी सब ऑफ रोडिंग और ये सब तो होता रहेगा। धूप सीधी आंखों पे आ रही है, गाड़ी वाले ने पूरा दिखा दिया,
विजिबिलिटी खत्म हो गई थी 2 सेकंड के लिए तो। हाँ, ये सब के लिए तो आए थे और ये सभी कर रहे हैं, मजा आ रहा है। बस जल्दी से जल्दी पहुंचना है सरचू। अभी दिमाग में वही चल रहा है, सरचू पहुंचेंगे पहले। और ये क्या आया है नीचे, मस्त नदी है, ये क्या है पता नहीं पर बहुत मस्त लग रही है। तो ये ट्रक वाले के पीछे पीछे चलेंगे जब तक जगह नहीं मिल रही है। तो आप भी ना ऐसे सब जगह पे ज़्यादा ओवरटेक करने का मत सोचा करो, अगर जगह मिल जाएगी तो कर सकते हो। देखो ऐसी जगह मिल गई तो यहाँ से ओवरटेक कर सकते हो। बाकी वो पीछे वाला जो पैसेज था उसमें ओवरटेक करने का मत सोचना, नहीं तो सीधा नदी में मिलोगे। अच्छा अभी ये वाला अच्छा रास्ता आ गया है। ये व्यू देखो भाई क्या जबरदस्त है भाई साहब, पैसा वसूल है और यहाँ पे आना भी वसूल है भाई। एक बार तो आप लोग सच में ये वाले रास्ते पे आ जाओ, सच में आ जाओ, मजा आ जाएगा। और हाँ मैं ऑफ रोडिंग का बता रहा था, अगर ऑफ रोडिंग आप कर रहे हो तो कोई भी कांस्टेंट स्पीड पे चला करो, कोई भी स्पीड हो सकती है, अगर एक बार रुके हो तो भाई गए। बाकी ये नज़ारे बहुत खूबसूरत है, बस वर्ड्स में मैं ना बयां नहीं कर पाऊंगा ना, ऐसा हो रहा है वर्ड्स में बयां नहीं हो पाएगा कि क्या फील कर रहा हूँ। और कैमरा सच में जस्टिस कर रहा है नहीं कर रहा है आई डोंट नो, पर बहुत मस्त नज़ारे है कि ये पूरे रास्ते ऑफ रोडिंग मिलेगा। लास्ट में हम जो कैफे पे रुके थे ना, क्या नाम था, बारा चला जिंजिंग कैफे, उसके बाद के ना सारे रास्ते ऐसे ही है। कुछ पैच आपको मिल जाएंगे अच्छे, बाकी पूरा रास्ता ऐसा ही देखने को लिए मिलेगा। और यहाँ के तो कुछ ज़्यादा ही छोटे छोटे रास्ते हैं एकदम, प्लस पूरे ऑफ रोडिंग वाले सारे पैच टूट गए, संभल के चलाना पड़ेगा ये वाले सारे रास्तों पे। फिर से एक वाटर क्रॉसिंग आया है बॉस, तो ये भाई को उतार देते हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। हाय, थोड़ा आगे रोकता हूँ तो मजा आ गया बॉस। ये वाला वाटर क्रॉसिंग तो हो गया, ये लोग कितना एज पे चला रहे बॉस, बहुत एज पे चला रहे। एक्चुअली ना वाटर क्रॉसिंग में प्रॉब्लम पानी का नहीं, पर वो जो गोल गोल पत्थर होते ना वो टायर को ऐसे स्किट कर देते, इसलिए प्रॉब्लम था। बाकी मेरे ख्याल से पानी का कोई ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि प्रॉब्लम है। बाकी ना हाथ मेरे पूरे जम गए अभी, इस बार तो सक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल, मजा आ गया, मजा आ गया। वैसे तो सारे सक्सेसफुल हुए पर ये वाला अपना वीडियो के साथ में सक्सेसफुल हो गया तो मजा आ गया, मजा मजा मजा, खुद के लिए तालियां 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 तालियां। और यहाँ पे ना अभी 17 डिग्री बता रहा है तो फोटो खिंचवा रहे। जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्नीकिंग एरिया गो स्लो, वैसे यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा नहीं है पर अब ज्यादा फास्ट स्पीडिंग कर नहीं सकते, बस वही है इसलिए इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, बाकी डिस्टेंस बहुत कम है। अगर एकदम स्ट्रेट रास्ता रहेगा ना तो आधे पौने घंटे का काम है। तो सरचू में तो मे भी ज्यादा ही ठंड मिलने वाली है हम लोगों को, पहले वहाँ पे जाके कैंपेनिंग का और वो सब सेट करना पड़ेगा। अभी ना एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ बॉस, इतनी सारी ठंडी है ना तो मेरे को एक्चुअली वॉशरूम लगा था तो मेरे से ना मेरे जिप नहीं खुल रही थी, इतने हाथ मेरे ठंडे हो गए, ये ग्लव्स पहन के रखा था फिर भी तो बॉस नहीं खुल रहा था, पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूँ। भाई तो भाई यहाँ पे रुके हैं और ये पूरा ऐसा कुछ लोकेशन है, अभी आगे से मैं बताता हूँ कि कहाँ रुके, मेरे को एक्चुअल में पता नहीं कि कहाँ रुके हैं। बस जोरदार ठंडी और ये जिप वाला सीन तो बहुत खतरनाक था बस। तो अभी यहाँ पे ना थोड़ा चाय पानी करेंगे वरना हाथ पैर नहीं चलने वाले बस, और ये पैर जो गीले हो गए ना उसके बाद में तो बहुत ठंडी लग रही। अरे मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए ना भाई, खुली नहीं रही थी मेरी जिप भी, तो मैं खोलते खोलते ही आगे चला गया।
तो ये जगह ना 15,000 फीट ऊपर है और 16,500 फीट ऊपर जाकर आए अभी और फट गई, ऐसा लग रहा था कि कब आएगा। और ना अभी ये कौन सी जगह है मेरे को एक्चुअली पता नहीं, तो कौन सी जगह है? भरतपुर। हाँ तो ये भरतपुर है। चलो अभी चाय वाय पीते। तो भाई बता रहे कि कॉफ़ी यहाँ के लिए अच्छा है, तो कॉफ़ी पियेंगे। बाकी मिलते हैं कॉफ़ी अभी पी के, अभी बोलने की हालत भी नहीं। कॉफ़ी और ये बिस्किट्स अभी खाएंगे और सोच रहे स्टे का क्या करें क्या नहीं, तो जो भी अपडेट होगा मैं बताऊँगा। बाकी अभी ठंडी तो बहुत गजब की पड़ रही है बस। तो कॉफ़ी वॉफी यहाँ पे मार लिया है। तो यहाँ पे भैया बता रहे थे कि आगे जाके टेंट महंगे मिलेंगे और वो 500 में 2% का बोल रहे थे, तो फिर आगे जाके ही देखते क्या है क्या सीन नहीं है। चलो तो आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। और मैंने ग्लोव भी चेंज कर लिए तो ये थोड़े ज्यादा अच्छे रहेंगे ऐसा लग रहा है। जय माता दी। तो अभी सीधा सरतू चलेंगे, उसके पहले अभी कोई होल्ड नहीं देना, तो यहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर हुआ। तो बाइक अपना यहीं पे रख दिया है और यहाँ सामने तो ये वाला टेंट भी बुक कर दिया है। सो टेंट बुकिंग हो गया है, पहुँच भी गए हैं सरतू से मे भी 1-2 किलोमीटर पहले होंगे हम लोग। पर लास्ट के जो 4-5 किलोमीटर निकाले ना भाई बहुत खतरनाक थे। वैसे बाइक जब से चला रहा था ना तो ठंडी नहीं लग रही थी, जैसे ही खड़े हो जाते हैं ना वैसे ठंड लगना चालू हो जाता है। और अभी इसका लाइट का कुछ सेट कर रहे हैं, अगर लाइट हो जाएगा तो थोड़ा टेंट अंदर से भी मैं बता दूंगा। तो बाइक तो अनलोड कर दिया है और थोड़ा सा टेंट का टूर दे देता हूँ। तो यहाँ पे एक बेड और ये एक लाइट और वहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है और ये मैंने चार्ज पे फ़ोन रख दिया है, बिल्कुल डेड हो गया था। सो बहुत ठंडी तो यहाँ पे है बहुत ज़ोरदार वाली, और रात जैसे जैसे होगी वैसे वैसे टेम्परेचर और थोड़ा गिरने वाला है। और ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो उतना कुछ हमको लोग फील हो नहीं रहा है, बराबर ना? तुझे फील हो रहा है? थोड़ा नॉर्मल है नहीं कि ना 9:30 बजे लाइटें ये लोग बंद कर देते हैं, तब तक फ़ोन अच्छे से चार्ज हो जाएगा तो ठीक है। वैसे अभी कितने बजे हैं? 8:10 जैसा हो गया है अभी। और हाँ टेंट की मैं बात करूँ तो पर पर्सन हम लोगों से 500 रुपया लिया है, तो 1,000 रुपये हो गए 2 जनों के लिए। और पर पर्सन खाने का कुछ 150 रुपया है। तो बस ऐसा कुछ सीन है टेंटों का। और ये सामने की तरफ यहाँ पे ढाबा है अभी। सो वैसे तो रिजनेबल है, ऐसे अभी ऑफ सीज़न चल रहा है तब मेरे को लग रहा है कि इतना कम प्राइस में दे रहे हैं, बाकी सीज़न में तो ज़्यादा हो सकता है। अपना डिनर है ये रोटी, सोयाबीन, आलू मटर की सब्जी, दाल, प्याज है और अभी चावल आ रहे हैं। तो अभी खाना वाना खाएंगे मस्त, बरोबर कि नहीं? और चलो भर पेट खाना तो खा लिया है, अभी टेंट में जाएंगे, एडिटिंग करेंगे, अपलोड करेंगे, डन, सो जाएंगे। बस और तो कुछ है नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बता देना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और लगता है कि वीडियो को शेयर करना है तो कर देना। आपको मिलते हैं कल, बाय।